एंड आई डोंट नो कैसे काफी सारे लोग इसको जब अप्लाई कर रहे हो तुरंत, एंड आपको इतने अच्छे से फ्रेग्रेंस का भी नहीं बता पाएगा जैसा कि मैं बता रही हूँ। जो लोग सिर्फ मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगाकर निकल लेते हैं बिना मेकअप, ओनली व्हाइट कास्ट ही प्रॉब्लम नहीं होता है, सनस्क्रीन में काफी अगर आप भी इस सनस्क्रीन के ओवर हाइप्ड होने की वजह से इसको खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो है इसका एप्लीकेशन, जब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी तो आपके आधे डाउट्स तो वैसे भी क्लियर हो जाने वाले हैं। सो हाई एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ये इस तरीके से पैकेजिंग आती है, इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड ये इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग हमको देखने के लिए मिलता है एंड इसका MRP है 550 रुपीज़ एंड 50 ग्राम्स की क्वांटिटी में हमको देखने के लिए मिलता है एंड इन्होंने मेंशन करा है कि ये इनविजिबल जेल सनस्क्रीन, अल्ट्रा लाइट वेट, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, एंटी पॉल्यूशन, एंटी ऑक्सीडेंट रिच, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो SPF 50 के साथ आता है, 50+ के साथ आता है ये एंड PA++++ मतलब 4x+ है, सन प्रोटेक्शन विथ नो वाइट कास्ट ये इन्होंने मेंशन करा है। सो इसके ओवर हाइप्ड होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है एंड ओनली वाइट कास्ट ही प्रॉब्लम नहीं होता है, सनस्क्रीन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। इसको मैंने 381 रुपीज़ में खरीदा, ऑयल आता है ना वो, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो एज इट इज़ पैराशूट के आयुर्वेदिक ऑयल जैसी, अगर आपने कभी अप्लाई करा वो गोल्डन कलर की बॉटल में वो छोड़। सो मैं एग्जैक्टली आपको जो फ्रेग्रेंस बता रही हूँ ना, आप चाहे आयुर्वेदिक ऑयल को उठाकर स्मेल कर लीजिए और इसको कर लीजिए, दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है एंड आपको इतने अच्छे से फ्रेग्रेंस का कोई नहीं बता पाएगा जैसा कि मैं बता रही हूँ। एंड इसकी फ्रेग्रेंस टोटली पैराशूट के आयुर्वेदिक ऑयल जैसी है, अगर आपको वो पसंद है तो अच्छी बात है, बट मुझे पसंद नहीं है तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस उतनी अच्छी नहीं लगी। नाउ बात करें ये सनस्क्रीन कैसा है, तो जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रब करने के बाद एकदम थिक होता जाता है। आई डोंट नो कैसे काफ़ी सारे लोग इसको जब अप्लाई कर रहे हो तुरंत पेनिट्रेट हो जा रहा है स्किन में एंड एकदम जेल जैसा ही लग रहा है देखने में स्क्रीन पर। सो गाइस ये इस वीडियो का मेन पार्ट है, इसको बिना स्किप करे आप देखिएगा। सो अभी मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई कराया है, लगभग 15 मिनट हो गए हैं एंड इसके अलावा मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं करा है, जस्ट ये मॉइस्चराइज़र लगाया है, ये मामाअर्थ का ऑयल फ्री टी ट्री मॉइस्चराइज़र है, इसमें भी ऑयल नहीं है। सो नाउ मैं आपको वन फिंगर ही अप्लाई करके दिखाऊँ। सो सबसे पहले आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए ये कैसा है। सो ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एक फिंगर ही मैंने लिया है बट थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। लोग तो दो दो तीन तीन फिंगर भी अप्लाई करके दिखा रहे हैं एंड वो ब्लेंड भी हो जा रहा है, बट मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, वो आप देख लेना। सो मैं इसको अब अप्लाई कर लेती हूँ। ओके सो ये पूरा मैंने अप्लाई कर लिया है, नाउ मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप देखते जाएंगे, सो आप देखते जाइए इस तरीके से ये ऐसा पेस्ट सा बनने लगता है एंड काफ़ी थिक हो जाता है एंड इजीली ब्लेंड भी नहीं होता है, जाने कितना ही टाइम लगेगा आप देख लेना मुझे ब्लेंड करने में कितना टाइम लगता है, जिससे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि आपके पास इतना टाइम है कि आप 10 घंटे तक इसको रगड़ते रहो। मैं दोनों हाथों से फैला रही हूँ, अगर मैं एक ही हाथ से फैलाना चाहूँ इसको तो जाने कितना टाइम लग जाएगा। सो एज यू गाइज कैन सी, मैं जितना ज़्यादा रब कर रही हूँ ये उतना ज़्यादा थिक होता जा रहा है। आई डोंट नो इतने सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं इसके ऊपर एंड उनका तुरंत ही इनविजिबल हो जा रहा है, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या मेरे सनस्क्रीन में कोई गड़बड़ है। सो आप देख सकते हो मैंने वन फिंगर ही अप्लाई करा है और इसको ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, तो अगर मैं 2-3 फिंगर्स अप्लाई करूँगी तो क्या वो प्रैक्टिकल होगा, आप खुद बताइए। मतलब इसको ब्लेंड करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना।
सो एज यू गाइस कैन सी ये ब्लेंड हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया इसने ब्लेंड होने में। एंड आप देख सकते हो ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है ना, ये ग्लो नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है एंड ये ऑयली टेक्सचर है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी जल्दी पेनिट्रेट भी नहीं होता है, मतलब आप 2-3 घंटे लगाते हो उसके बाद आपको लगता है कि हाँ इसका जो ऑयल का टेक्सचर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। बट अगर आप इंस्टेंटली देखोगे 15 से 20 मिनट, 1-2 घंटे तक भी आपको मतलब वो चिपचिप तो फील होती ही है। एंड आप देख सकते हो इस तरीके से इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये ब्लेंड करना, इसके पास टाइम नहीं होगा और जिसको जल्दी पड़ी होगी ना तो वो तो मतलब इसको ही ब्लेंड करता रह जाने वाला है। सो ये चीज़ मुझे इसकी ख़राब लगी। या गाइस इन्होंने बोला है कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो आप देख सकते हो कोई भी वाइट कास्ट नहीं है मेरे फेस पर, कोई भी वाइट टिंट भी नहीं है जैसे और सनस्क्रीन में हमको देखने के लिए मिलता है। पास से आप देख सकते हो सो कोई भी मुझे वाइट कास्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो जिस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं उस चीज़ को तो ये फुलफ़िल कर रहा है, मतलब ये सनस्क्रीन उस चीज़ को तो फुलफ़िल कर रहा है, बट और प्रॉब्लम्स जो हमको फेस करनी पड़ रही हैं वो ये है कि ये चिपचिपा है, स्वेट भी क्रिएट करता है आपके फेस। सो अभी मैंने ब्लेंड करा है आपके सामने ही और आप देख सकते हो मुझे स्वेटिंग हो रहा है। सो आप देख सकते हो ये मुझे स्वेटिंग होने लगी है इधर पर इसको अप्लाई करने के बाद। तो ये काफ़ी मुश्किल से ब्लेंड होता है, स्किन में पेनिट्रेट होने में काफ़ी टाइम लगाता है। आप करते जाते हो ना आप तो ऐसा लगता है कि कब ये अंदर जाएगा। एंड जो 2 फिंगर एंड 3 फिंगर रूल है ना सनस्क्रीन का, वो इसलिए तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है। एंड मुझे वैसे तो वो रूल कोई सही भी नहीं लगता है क्योंकि सनस्क्रीन के जितने अमाउंट से आपका ओवरऑल फेस कवर हो जा रहा है उतना ही इनफ होता है। आई डोंट थिंक सो कि तीन चार फिंगर वाला रूल आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है एंड ज़बरदस्ती आपको उसको स्किन में पेनिट्रेट कराना पड़ता है। मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल, सो दैट्स वाई मैं वो रूल तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ। जितनी मेरी स्किन को नीड होती है उतना ही मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। एंड या आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है सनस्क्रीन लगाने में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। नाउ मैं आपको बताऊँ इसके टेक्सचर कैसा है, तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी में आता है, सो जेल लाइक कंसिस्टेंसी मुझे तो नहीं लगती क्योंकि जब ये पेनिट्रेट हो जाता है तो आपकी स्किन पर स्टिकी स्टिकी फील होता है, एकदम चिपचिपा सा लगता है। एंड हाँ 2-3 घंटे बाद नहीं लगता है, 2-3 घंटे बाद सेटल हो जाता है। बट क्या अगर आप कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो तो 2-3 घंटे बैठे रहोगे कहीं जाने से पहले? एंड वो लोग जो लोग सिर्फ मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगा कर निकल लेते हैं बिना मेकअप करे, जैसे कि मैं हूँ, मैं वीडियो के लिए ही मेकअप करती हूँ, रियल लाइफ में तो मैं ओनली मॉइस्चराइज़र लगाए, सनस्क्रीन लगाए और निकल लिए। इसी तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, कोई भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं करती। सो जो कॉम्पैक्ट लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, हो सकता है उनके लिए ये वर्क करे, बट जो नॉर्मली सिर्फ सनस्क्रीन लगा कर ही निकल लेते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा है। एंड इस पर मेंशन करा है एंटी पॉल्यूशन, अगर आप स्टिकी फेस लेकर बाहर जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पॉल्यूशन से फ्री रखेगा, क्योंकि ये उल्टा आपके फेस पर ना चिपक जाएंगे वो बाहर जो धूल मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो और ज़्यादा आपकी स्किन को डैमेज कर देगा। एंड अगर आप 1-2 घंटे पहले लगा लोगे फिर ये स्किन में पेनिट्रेट अगर मान लो हो भी जाता है, मैं बार बार हैंड से रब करती रहती हूँ कि कितना स्टिकी है चेक करने के लिए, दैट्स वाई धीरे धीरे वो फेड होने लगता है। बट जो लोग सिर्फ अप्लाई करके निकल लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगता है स्किन पर। एंड जिनकी ऑयली स्किन है ना ये उनके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि विश केयर ब्रांड के मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है, मैंने एक इनका ऑयल का रिव्यू शेयर करा हुआ है, तब मैं विश केयर ब्रांड को इतना जानती भी नहीं थी। बट मैंने अमेजोन से रैंडमली एक कोल्ड प्रेस ऑयल पिक करा था, नीम ऑयल, उसके बाद मैंने उसका अनियन सीड ऑयल लिया, कैस्टर ऑयल लिया, एंड मुझे सारे ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। सो दैट्स वाई मैंने एक वीडियो भी शेयर करा था, उस पर मुझे काफ़ी अच्छे कॉमेंट्स भी रिसीव हुए थे। ऐसा नहीं है कि विश केयर ब्रांड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे विश केयर ब्रांड पसंद है, इसलिए ही मैंने ये सनस्क्रीन लिया था। एंड मुझे इस टाइम पर कोई नया सनस्क्रीन कलेक्शन में इंक्लूड करना था, सो मैंने इसलिए इसको पिक करा। बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि मेरी ड्राई स्किन है उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा स्टिकी लग रहा था। तो जिनको एक्ने है, जिनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑयली ऑयल प्रोड्यूस होता है समर्स में, तो उनके लिए तो ये आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगा। एंड मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ।
एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ। एंड एक चीज़ और है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो थोड़ी देर आपको है ना ऐसे स्वेटिंग सी भी होती है। इवन जब मैंने इसको शूट करा था तब तो मैंने फैन वैन सब बंद करके करा था, तब तो स्वेटिंग हो ही रही थी, बट जब मैंने इसको रात में अप्लाई करा था तब तो कोई फैन वैन बंद करके, मैं नॉर्मल डेज पर तो ऐसे यूज़ नहीं करती ना, सो नॉर्मली जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे पसीना आता है एंड फेस पर हर जगह ऐसे ऐसे मतलब स्वेटिंग होने लगती है। सो वो प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है। सो समर्स के अकॉर्डिंग ऐसा सनस्क्रीन बनाने का आई डोंट थिंक सो कोई मतलब निकला, एंड ये उस चीज़ को ज़रूर फुलफिल करता है कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़। सो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी कि इन्होंने जो मेंशन करा है कि ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो हाँ ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, आपको स्किन पर लगता नहीं है कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाया है। एंड थोड़ी देर बाद ये हैवी भी फील नहीं होता है आपकी स्किन पर, सो लाइट वेट भी है। और बाकी जो इस पर मेंशन करा है आई थिंक ये सारा कुछ फॉलो करता है, बट जो टेक्सचर की बात करें ना तो वो टेक्सचर ऑयली स्किन वालों के लिए तो वर्क नहीं करेगा, प्लस गर्मियों में तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि चिपचिपा है। एंड अगर आप ऐसे हो जो कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन लगाकर ही जाते हो बाहर, और मतलब कोई ना कोई पाउडर आप फेस पर अप्लाई करते हो चाहे लूज पाउडर हो या कॉम्पैक्ट पाउडर हो, तो आप ये ले सकते हो क्योंकि इसको लगाने के बाद आप उसको फिक्स कर लोगे तो ये उतना स्टिकी नहीं लगेगा। बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये स्टिकी है तो ऑयली स्किन वालों को इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड इसकी मुझे एक चीज़ ख़राब लगी कि जब आप इसको स्किन पर अप्लाई करते हो तो ये पेनिट्रेट बहुत जल्दी नहीं होता है, मतलब आप घिसते जाते हो उतना ही ज़्यादा ये थिक होता जाता है। जितना ये लाइट वेट आपको निकालने में लगता है ना अच्छा सा टेक्स्चर लगता है, बट वो अप्लाई करने पर वैसा फील नहीं होता है, आपको इसको काफ़ी ज़्यादा रब करना पड़ता है एंड उसके बाद जाकर के ये कहीं ब्लेंड होता है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है। सो ओवरऑल इसके लिए मेरा यही रिव्यू था एंड ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये खरीदना है या नहीं। सो ये ऑयली स्किन वालों के लिए आई डोंट थिंक सो बिल्कुल भी काम करेगा, ड्राई स्किन वाले भी इसको समर्स में अप्लाई करेंगे तो उनको भी स्टिकी फील होगा, जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है एंड मुझे इसका टेक्स्चर पसंद नहीं आया, भले ही ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है बट मुझे टेक्स्चर पसंद नहीं आया। सो गाइस दैट्स ऑल, इस वाले प्रोडक्ट के लिए मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला रिव्यू कैसा लगा, एंड अगर आप इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहते हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।